सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये है हमारे पास में ब्रांड न्यू पोको F3 GT स्मार्टफोन। क्या नहीं है क्या बनाए थे? एक मिनट लगता है, क्या फर्क पड़ता है यार। बन रहा है अभी। दोस्तों अब ये है हमारे पास में पोको F3 GT स्मार्टफोन। पोको ने इसको इंडिया में लॉन्च कर दिया है और यहां पे मजे की बात यह है कि ये फोन दोस्तों आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशंस के साथ में। प्राइस बहुत ही कमाल की है। आप इस वीडियो को भी काफी लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ चलिए और यहां पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिकॉज आप में से किसी एक लकी व्यूअर को मिल सकता है मौका जीतने का इसी ब्रांड न्यू पोको F3 GT स्मार्टफोन को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों खैर पोको टीम ने बड़ी मेहनत के बाद फाइनली खैर बना ही लिया इस पोको F3 GT स्मार्टफोन को। और यहां पर दोस्तों बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जल्दी से इसी फोन के बारे में जो डिटेल्स को देखते हुए। तो यहां पर दोस्तों ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फोन है रेडमी K40 गेमिंग। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है यार पोको। I mean, कभी तो रीब्रांडिंग से रुक जाओ यार। इतनी ज्यादा रीब्रांडिंग रेडमी का फोन। पोको एक इंडिपेंडेंट ब्रांड है। अब एक इंडिपेंडेंट ब्रांड है तो वो किसी और कंपनी का फोन बस निकाल के लेबल लगा के बेचता है, ये कर रहा है जब से आई थिंक आया है। बिकॉज हाँ, पिछले कितने सारे फोन हैं पोको के जो कि मोर और लेस ऐसे ही हमको देखते हुए मिले हैं। अब हंसी तो आती है जब लॉन्च इवेंट में इतना लंबा अनुज सर ऐसे क्यों करते हो यार आप। I mean, आपसे तो बेहतर की उम्मीद किए थे हम। रीब्रांडिंग के बाद में ऐसे ही बस इसमें हमने ये डाल दिया, इसमें हमने अरे डाला तो लगाया तो रेडमी ने ना, आपने थोड़ा ना किया। आपने तो हाँ डिजाइन में अभी शायद पोको लिख दिया होगा, डब्बा चेंज कर दिया और दैट इज ऑल, गेम ओवर। बट एनीवेज फोन दोस्तों बहुत अच्छा है। फोन को हम बुरा नहीं बोल सकते भाई, देखो फोन बड़ा सही बनाया है। जहां पे हमारे पास में है Dimensity 1200 प्रोसेसर, एक 6.67 इंचेस का दोस्तों यहां पे डिस्प्ले है जो कि आता है 120 हर्ट्ज ओलेड के साथ में। ऑल्दो यहां पे थोड़ी सी कंजूसी करी है और हमको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, हमको मिलता है दोस्तों एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। लेकिन फिर यहां पे है दोस्तों 6, 8 या फिर 12 GB की फास्ट रैम और UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज जो कि 128 या फिर 256 GB की। बाकी दोस्तों यहां पे पीछे हमारे पास में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, 64 प्राइमरी प्लस 8 अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। जूम करके एकदम ऐसे नजदीक में जाकर देखने के लिए कि आखिर पोको ने कैसे बनाया इस फोन के मैक्रो कैमरा को। साथ दोस्तों हमारे पास में है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और बाकी यहां पे है 5065 mAh की बैटरी, 67 W की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में। और यहां पे दोस्तों स्क्रीन है ये आता है 480 Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ में। और यहां पे फिर हमारे पास में है ये दोस्तों ट्रिगर्स जो कि ये दोस्तों साइड माउंटेड ट्रिगर्स हैं और यहां पे जो ट्रिगर्स हैं ये फिजिकल हैं, तो आप इनको फोन से बाहर निकाल सकते हैं तो ये गेम वगैरह खेलते रहे काफी ज्यादा हैंडी आपके लिए जो है वो साबित हो जाएंगे। स्टीरियो स्पीकर्स हैं हमारे पास में और दोस्तों कुछ ऐसी है कहानी इस पोको F3 GT उर्फ रेडमी K40 गेमिंग वाले स्मार्टफोन की। अब यहाँ पे दोस्तों फोन तो खैर बहुत ही सही बनाया है, प्राइस भी सही है, बस हाँ इंडिया में चाइना से अराउंड 4,000 से 5,000 रुपए का जो है वो डिफरेंस हो गया है। बिकॉज चाइना में उसकी प्राइसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब कुछ 26,000 के आसपास मिल जाता है इसका 12 GB वाला वेरियंट। लेकिन इंडिया में दोस्तों यहाँ पर जो इसकी शुरुआती प्राइस है वो है 26,996,128 के लिए, फिर है 28,998,128 के लिए और फिर है 30,992,256 GB वाले वेरिएंट के लिए। बट स्टिल उस प्राइस के हिसाब से भी इंडियन नो मार्केट को देखते हुए फोन जो है वो काफी एक सही प्रपोजिशन लेके आता है जहां पे आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह मिल जाएगी। यहां पे दोस्तों कुछ नो ग्रेफिन लेयर्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया है कूलिंग वगैरह के लिए, तो आपको जो है वो परफॉर्मेंस या फिर इन जनरल डिजाइन वगैरह देखेंगे तो मतलब वो गेमिंग वाला मजा मिलने वाला है इस पोको F3 GT स्मार्टफोन में। बट अगेन ना वो एक्साइटमेंट नहीं आता है ना, मतलब क्योंकि फॉर एग्जांपल एक फोन अगर ऑलरेडी यहीं पर लॉन्च हो गया है तो सिंपल उसको लेके आ जाओ, बोल दो भैया ये फोन इतने का मिल रहा है कल से मिलना, मतलब वो इतना हाइप बना बना के सेम चीज को फिर वो स्टेज, मतलब वो प्रेजेंटेशन देते हुए हंसी नहीं आती अंदर से कि वी हैव पुट अ मैसिव 5065 mAh बैटरी इन दिस फोन, इट विल लास्ट फॉर डेज एंड डेज एंड डेज।
आपने लगाया था? अरे वो तो रेडमी लगा लिया, आपने बोला दे दो बस फोन खाली रात। मतलब एनीवेज यार, तो पोको को लेके ना मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी वो पता नहीं यार कहाँ चली गई है, कि वो जो ट्रू इनोवेशन जो पोको F1 में वो देखने को मिली थी, जब से पोको को इंडिपेंडेंट ब्रांड घोषित कर दिया तब से तो लगता है कि यार पोको कुछ कर नहीं पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो शाओमी का या जो रेडमी का एग्जिस्टिंग लाइनअप है उसको उठाया और वही फोन जो है वो लाके लॉन्च कर दिया है, तो यही हो रहा है। तो वो एक्साइटमेंट निकल गया यार कहने के, जो ट्रू जेन्युइन पोको फैंस हैं वो इस बात से एग्री करेंगे। बाकी देन अगेन फोन अच्छा है, प्राइस भी अच्छी है, और मजे की बात की मिलने वाला है आप किसी एक लकी व्यूअर को, तो आप उसे जाके इस फोन को जो है वो जीत सकते हैं अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन उसमें लिंक दिया गया है वहां पे जाके अपना पार्टिसिपेशन आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो खैर ये था शॉर्ट एंड स्वीट, बड़ा ही सिंपल सा वीडियो पोको F3 GT वाला। बाय द वे मैंने रेडमी K40 इसी फोन की अनबॉक्सिंग कर ली है डिटेल में, तो आप वो जाके देख सकते हैं, बिकॉज गंगाधर ही शक्तिमान है, था, रहेगा, ये नहीं बदलने वाला भैया। आप देखो अगला वाला फोन पोको कौन सा लेके आता है, उससे पहले लेकिन रेडमी को फोन लेके आना पड़ेगा, तभी तो पोको लेके आओगे ना, मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।